सो फर्स्ट स्टेप है मैं राइस एंड फेन्युग्रीक सीड्स को ओवरनाइट सोक करूंगी. सो अभी मैं 3 चम्मच चावल लूंगी एंड 2 टेबलस्पून फेन्युग्रीक सीड्स. ऑलराइट, अब इसमें हम डाल देंगे पानी. सो पानी भर दिया है, अब देख सकते हैं इतना पानी भरा हुआ है, ऑलमोस्ट इतना. इसको अपन सोक करने देंगे रात तक. वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज अमृता. सो आपकी रक्षाबंधन कैसी रही? कल रक्षाबंधन था, तो आज का वीडियो जो एक्चुअली है वो मैं कल शूट करने का सोची थी, बट मैं बिजी थी कल इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई. तो मैं सोचा आज फाइनली इसको रैप अप किया जाए. इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप घर पे हेयर स्पा कैसे कर सकते हैं. वेल, हेयर स्पा बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों को हेल्दी रखता है, मॉइस्चराइज रखता है. मंथ में कम से कम एक बार तो आपको हेयर स्पा करना ही चाहिए, भले ही वो घर में करें या बाहर जाकर करें. अगर आप बाहर कराना चाहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं. लेकिन अगर आप घर पे करेंगे एकदम ही फ्री पड़ेगा, बिकॉज जो भी चीज़ें मैं आज यूज़ करने वाली हूँ वो एकदम इजीली अवेलेबल होती है घर पे. प्लस नॉर्मली आप ये यूज़ करते हैं लेकिन आप परफेक्ट प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, इसलिए वो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देता है. सो आज मैं शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि आप हेयर स्पा घर पे कैसे कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टेप नंबर 1, ऑयलिंग. यस, सो बालों की ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑयलिंग से आपके बाल मॉइस्चराइज बने रहते हैं. तो मैं यूज़ करूँगी ये वाला ऑयल, ये मैंने खुद प्रिपेयर किया है. आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल, कोई भी जो आपको पसंद है. कोकोनट ऑयल को करी लीव्स, नीम लीव्स, एलोवेरा लीव एंड हाइबिस्कस फ्लावर्स के साथ कुक किया. उसके बाद मैंने इसमें कैस्टर ऑयल भी ऐड किया. इसमें 5-6 चीज़ें मिली हुई है, बहुत ही बेनिफिशियल है बालों के लिए. तो मैं इसको ही बालों में लगाती हूँ नॉर्मली. फटाफट से बालों को ऑयल करेंगे. स्प्रे बॉटल में फिल करके रखा है, सो डायरेक्टली मैं रूट्स पे इसको स्प्रे करूँगी. स्कैल्प एंड हेयर पे ऑयल मसाज हो चुकी है. अब हम वेट करेंगे 30 मिनट्स का, फिर करेंगे शैम्पू. तब तक हमारे तेल सर पे सेट होता है, तब तक हम अपना डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क रेडी कर लेते हैं. तो चलते हैं फटाफट. सो मैं बाहर आ गई हूँ एलो प्लांट कट करने, मतलब एक लीफ कट करेंगे खाली उसका. सो फ्रेश आप लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा. सो अभी हम कट करेंगे, देखते कौन सा लेना है अपने को. सो ये मुझे सबसे सही लग रहा है, इसी को कट कर लेंगे. यहाँ से काटेंगे. देख सकते हैं एकदम फ्रेश है. आप सबसे पहले जो रात में हमने ये फेन्युग्रीक एंड जो चावल सोक करके रखे थे, इसका हम पानी छान लेंगे. सो ये पानी हमें फेंकना नहीं है, हम इसको बालों के लिए यूज करेंगे. स्टेप है, जो मैंने एलोवेरा लीफ लिया है इसका मैं जेल स्क्रेप करूंगी. तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसके साइड किए इन्हें पोर्शंस को निकालना है. जैसे मैंने कहा हमें फ्रेश एलो लीफ चाहिए. अगर चाहिए तो आप नॉर्मल रेडीमेड जेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है अगर आप फ्रेश लें तो. देख सकते हैं एकदम फ्रेश जेल है. अब इन तीनों चीजों को मैं एक साथ ग्राइंड कर दूंगी. मैंने एक ब्लेंडर में सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं. इसमें है फेन्युग्रीक सीड्स और राइस और एलोवेरा जेल. सो ग्राइंड होने के बाद ही कुछ ऐसा लगेगा. अब हम इसको इस बॉल में निकाल देंगे. ये निकाल लिया है. अब हम इसमें ऐड करेंगे कर्ड. कर्ड आपको ज़्यादा नहीं डालना है, इतना काफ़ी है. ऑलमोस्ट लाइक हाफ कटोरी कर्ड डाल दिया मैंने इसमें. अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑलिव ऑयल. ओके, दिस इज सफिशिएंट. इसको प्रॉपरली मिक्स कर लेना है आपको. द
दैट्स इट, आपका डीप कंडीशनिंग मास्क रेडी है। आइस में होता है इनोसिटोल जो आपके डैमेज हेयर को रिपेयर करता है बाय पेनिट्रेटिंग इनटू द हेयर शेफ्ट, बालों में ये सोक कर जाता है और मजबूती देता है बालों को, तो फ्यूचर डैमेज से भी बालों को प्रोटेक्ट करता है। इसमें होता है अमीनो एसिड जो आपके हेयर रीजनरेशन में मदद करता है, इवन हेयर ग्रोथ में फायदेमंद होता है। विटामिन बी सी ई जो आपकी हेयर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। नंबर टू फेनुग्रीक सीड्स मतलब कि मेथी के दाने, इसमें होता है बहुत ज़्यादा प्रोटीन एंड निकोटिनिक एसिड जो आपकी हेयर फॉल में बहुत ज़्यादा मदद करता है, मतलब हेयर फॉल रिड्यूस कर देता है एंड इवन कोई भी स्कैल्प का कोई इन्फेक्शन हो या डैंड्रफ से रिलेटेड या ड्राइनेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उससे भी आपको छुटकारा दिलाता है, बालों को मजबूती देता है एंड बालों को शाइनी एंड बाउंसी बनाता है। नंबर थ्री एलोवेरा जेल, सो एलोवेरा जेल में होता है एंजाइम जो आपके डेड स्किन सेल्स को स्कैल्प से हटा देते हैं जिससे आपकी ड्राइनेस या इचीनेस या फ्लेकी स्कैल्प होता है या डैंड्रफ, इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिलता है। ये आपके बालों को शाइनी बाउंसियर बनाता है, इवन हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करता है। नंबर फोर ऑलिव ऑयल, सो ऑलिव ऑयल इज एनरिच्ड विद विटामिन ई, एसेंशियल फैट, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये आपके बालों की क्यूटिकल लेयर को स्मूथ कर देते हैं जिससे आपके बाल ज़्यादा शाइनी बाउंसी लशियस एंड वॉल्यूमिनस लगते हैं। नंबर फाइव कर्ड, सो कर्ड में होती है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जो आपके स्कैल्प से बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन को घटा देता है। अगर आपके डैंड्रफ या स्कैल्प को कोई भी प्रॉब्लम है तो कर्ड बहुत ज़्यादा फायदेमंद है बिकॉज ये डैंड्रफ को भी क्योर कर देता है, बालों को शाइनी एंड स्ट्रांग बनाता है, कंडीशन करता है नेचुरली, अगर आपके फ्रिजी हेयर हैं उनको भी ये टेम कर देता है। सो कर्ड इज अ मस्ट इफ यू हैव एनी स्कैल्प रिलेटेड इश्यू। मोस्ट हाफ एन आवर हो गया मुझे ऑयल किए हुए, अब हम मूव करेंगे सेकंड स्टेप की तरफ जो है हमारा हेयर वॉश। सो या नॉर्मली आपको शैम्पू करना है, कंडीशनर अप्लाई नहीं करना है, तो फटाफट से मैं हेयर को शैम्पू करके वापस। सो हेयर मेरे शैम्पू हो चुके हैं, अब थर्ड स्टेप हमारा होने वाला है जो हमने राइस एंड फेनुग्रीक का एक्सट्रैक्ट को बचाया था उसको मैंने स्प्रे बॉटल में फिल कर लिया है, इसको मैं डायरेक्टली अपनी रूट्स पे स्प्रे करूंगी। फेनुग्रीक एंड राइस एक्सट्रैक्ट मैंने अपने बालों पे स्प्रे कर लिया है। फोर्थ स्टेप है हमारा अपना डीप कंडीशनिंग मास्क अप्लाई करना जो हमने प्रिपेयर किया है, देख सकते हैं। सो हमारे बाल ऑलरेडी डैम्प है इसलिए हम इसको डायरेक्टली अप्लाई करना शुरू करते हैं। मास्क हमारा लग चुका है, अब हमारा फिफ्थ स्टेप होने वाला है बालों को स्टीम देना, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये कवाची हेयर स्पा कैप। अगर आपके पास ये स्पा कैप नहीं है आप एक हॉट टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसको लगाने से पहले आप एक शावर कैप पहन लीजिए। कर देंगे ऑन कर दिया इस 10 मिनट आपको ये लगा के रखना है। स्टीम करने का बालों को बेनिफिट ये है कि आपकी हेयर की क्यूटिकल लेयर ओपन अप हो जाएगी और कंडीशनिंग मास्क जो भी आपने यूज किया उसका मॉइस्चर जो होगा वो आपके हेयर में एब्जॉर्ब कर जाएगा जिससे आपके बाल मॉइस्चराइज हो जाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी और 5 मिनट और रखे रहने दूंगी। अब 5 मिनट और हो गए हैं तो टोटली 15 मिनट मैंने इसको यूज़ किया, अब मैं इसको कर दूंगी बंद, इसको मैं हटा दूंगी। काफ़ी हीटअप हो गया मामला। सो मास्क को आपको 40 मिनट्स तक लगा के रखना है अपने बालों पे। सो 40 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम मूव करेंगे फाइनल स्टेप की तरफ, दैट इज हमें हेयर वॉश करना है, शैम्पू एंड कंडीशनर करेंगे। सो फटाफट अब मैं फाइनल लुक के साथ आपको मिलूंगी। सो मैंने अपने हेयर वॉश कर दिए हैं, थोड़ा निकालने में डिफिकल्टी है बिकॉज फेनुग्रीक क्या होता है ना बहुत स्लाइमी होता है तो बालों में बुरी तरह चिपक गया था, कम से कम 20 मिनट मुझे लगे एकदम कम्प्लीटली उसको निकालने के लिए, उसके बाद शैम्पू 2-3 बार करना पड़ा
और रिजल्ट लेकिन मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बाल मेरे बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज फील हो रहे हैं। देख सकते हैं एंड्स में नॉर्मली क्या होता है ना, बहुत ही ड्राइनेस आ जाती है, बट आज ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। कि ये मंथ में कम से कम मैं एक बार तो कर ही लेती हूँ, तो आप भी ज़रूर कीजिए, इससे बाल आपके ओवरऑल हेल्दी बने रहेंगे। सो ये वीडियो पसंद है आपको, ये वीडियो भी पसंद आएगा जहाँ पे मैंने फर्मेंटेड राइस वाटर यूज़ किया था अपने बालों के लिए। सो डू चेक दैट आउट और आई विल सी यू देयर डायरेक्टली।